गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो बच्चों, आज कुछ हम नए वर्णों की पहचान करेंगे। ठीक है, आप सभी पहली कक्षा में हो। हाँ, और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है, तो आज हम कुछ नए वर्णों की पहचान करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वर्ण ब। ये वर्ण कौन सा है? ब। ब से बतख। ब से बतख। हाँ, इसको, इस बतख को अंग्रेजी में डक कहते हैं। क्या कहते हैं? डक कहते हैं। वेरी गुड। इसके बाद हमारा ब के बाद कौन सा वर्ण आता है? भ वर्ण। तो भ वर्ण भाला। भ वर्ण से क्या आता है? भाला। भ से भाला। हाँ, इसके बाद का वर्ण हमारा है म से मछली। म से मछली। मछली यानी कि इसको हम अंग्रेजी में फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? फिश। तो बच्चों, आज हमने जो ये तीन वर्ण देखे, ब, और इन वर्णों से सिर्फ यही शब्दों की निर्मिति होती है क्या? इसी शब्दों की शुरुआत होती है क्या? तो बिल्कुल नहीं। इन वर्णों से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। ठीक है। हाँ, तो अभी आप बहुवचन का दूसरा। वेरी गुड। तो इस बहुवचन में आपको पेज नंबर 68 में यह ब वर्ण दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी हुई है। तो ये पंक्तियां, चलो बोलो मेरे साथ। हाँ, सब रेडी है? वेरी गुड। तो चलो अब हम इन पंक्तियों को पढ़ने वाले हैं। हाँ, ब से बतख, किरण चटक, जल पर जलती मटक मटक। ब से बतख, किरण चटक, जल पर चलती मटक मटक। यानी बतख कहाँ रहता है? पानी में तैरता है। हाँ, और वो बहुत ही प्यारा होता है ना? आपने देखा है बतख? हाँ, तो आपको यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल करके ब यह वर्ण 6 हस्ताक्षर में लिखना है। हाँ, और यहाँ पे एक्टिविटी है। तो हमारी एक्टिविटी क्या है आपको मालूम है? हाँ, इस बतख को अच्छे से क्या करना है? रंग भरना है इसमें। और यहाँ पे ब वर्ण लिखना है। कौन सा वर्ण लिखना है? ब वर्ण। वेरी गुड। इसके बाद आप पेज टर्न करो। तो यहाँ पे आपको अगला वर्ण दिखाई देगा। हमारा अगला वर्ण है भ से भाला। उस तरह से भ से भालू भी होता है। हाँ, तो चलो अब हम कुछ ये पंक्तियां पढ़ेंगे। हाँ, चलो पढ़ो मेरे साथ सब। भ से भालू, देखो आया, बच्चों को उसने बहलाया। भ से प्रकार के खेल करके दिखाता है, कर्तव्य करके दिखाता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना? हमारा मन बहल जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये बहुत से भालू है और ये जंगल में रहता है। हाँ, और ये बहुत से भाला। तो बहुत से भाला, भाला क्या है? भाला एक हथियार है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो भ वर्ण से भालू, भाला, इस प्रकार के शब्दों की शुरुआत होती है। तो आपको क्या करना है? इस भाला यहाँ पे भो यह वर्ण लिखना है। हाँ, और इसको कलर भी करना है अच्छे से।
पानी में रहती है, और यदि हम इसको पानी से बाहर निकालेंगे तो मछली मर जाती है। इसलिए मछली कहाँ होती है? सिर्फ पानी में होती है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे देखो मौजे मछली, आपको अच्छे हस्ताक्षर में बोल बोल कर यहाँ पे म यह वर्ण लिखना है। हाँ, और यहाँ पे भी लिखना है। हाँ, और एक्टिविटी में क्या करना है मालूम है आपको? आपको यहाँ पे मछली का चित्र बनाना है और उसको अच्छे से रंग भी करना है। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने मछली का चित्र निकाला है। देखो कैसे निकाला है, बहुत ही प्यारी है ना मछली। हाँ, तो आपको यहाँ पे मछली का चित्र निकालना है और उस चित्र में रंग भी करने हैं, रंग भरने हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पे हमारी आज की पढ़ाई बहुत हो चुकी है कि नहीं? हाँ, तो आज हमने कौन से वर्णों की पहचान की है? हाँ, आज हमने ब से बतख, भ से भाला या भ से भालू और म से मछली, इन तीन वर्णों की पहचान की है। तो बच्चों, आपको अच्छे हस्ताक्षर में इन सभी तीनों वर्णों को आपके बुक में लिखना है, किताब में लिखना है। आपके पास इस तरह का कॉपी भी होगी, है ना सबके पास? हाँ, तो इसमें भी आपको इस तरह का अच्छे से ये वर्ण लिखने हैं, और लिखते समय बोलना है ब से बतख ऐसा। ठीक है, और भ से भालू, भ से भाला, वेरी गुड। उसके बाद म से मछली। तो बहुत अच्छा लगता है आपको, लगता है ना? हाँ, तो आपको वर्कशीट भी छुड़ानी है, और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे उन्हें मैं क्या देने वाली हूँ? हाँ, मैं उन्हें देने वाली हूँ बड़ा स्टार। तो आप सभी को बड़ा स्टार चाहिए? हाँ, सभी को चाहिए। हाँ, तो मैं आपको देने वाली हूँ बड़ा स्टार। बड़ा बड़ा स्टार होंगी, तो अच्छे से पढ़ाई करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो।